नुबिता, ओए नुबिता। बोल क्या हुआ? अबे उठ, सारा दिन वह पड़ा रहता है। जियान तेरे को हमेशा कस्टम में मारता है ना, ना वो ज्यादा रियल में ज्यादा मारता है। देख मैं तेरे लिए एक गैजेट लाया हूँ, इसका नाम है पॉइंटर स्पीड। इसको बढ़ा लेगा ना, हेड ही हेड मारेगा फिर तू जियान को। तू ही बढ़ा ले, हटा सोने दे हटा। अच्छा, फिर ये ले दूसरा गैजेट दे रहा हूँ, फ्री वाला ले ले। अबे ले जा इसको। अबे सुन तो एक बार, यूज तो कर। हट हट सुन फुर तो, हट अबे फुर हट सुन फुर पक पक फट फट। तू यार देखो, आज का ये वीडियो कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो नहीं है ना। आज टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं, आज ये वीडियो है आंख खोलो वीडियो। जी हाँ, इस वीडियो को देख के आपकी आंखें खुलने वाली हैं आज। हैं, ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अब देखो, फ्री फायर में रैंक पुश की दिहाड़ी लगाते हो और डीपीआई, पॉइंटर स्पीड, इन महामारी का नाम ना सुना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये दोनों फ्री फायर की सेटिंग किसी की भी सेटिंग से ज्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में। इन दो सेटिंग्स को ऑन करके प्लेयर पता नहीं अपने आप को पता नहीं क्यों शक्तिमान समझने लग जाता है। वो बात अलग है कि एक टाइम पे मैंने भी अपने आप को समझ लिया था। खैर जो भी है, आज की इस वीडियो में हम टेस्ट करने वाले हैं फ्री फायर की दो सेटिंग्स को, पॉइंटर स्पीड एंड डीपीआई। कि ये पॉइंटर स्पीड और डीपीआई के बारे में जैसा बताया जाता है वीडियो में कि पॉइंटर स्पीड को इतना कर लो, कम कर लो, ज्यादा कर लो, या फिर डीपीआई के नंबर्स बताए जाते हैं, तो उन सभी को हम लोग आज टेस्ट करने वाले हैं कि क्या वो रियल होते हैं या फिर फेक होते हैं। लेकिन भाई मैं तभी टेस्ट करूंगा जब तुम लोग मेरा एक टेस्ट पास करोगे। मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तो मेरा टेस्ट ये है कि आप लोग एक बार जाके चेक करो कि आपने लाइक इस वीडियो को कर रखा है कि नहीं। ठीक है, कर रखा है, चेक करो, कर रखा है, फिर उसके बाद चेक करो कि सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, कर रखा है ना। अगर ये दोनों टेस्ट में अगर आप पास हो तो फिर हम आगे। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं इस पॉइंटर स्पीड को, कि इस पॉइंटर स्पीड का क्या सीन है। पॉइंटर स्पीड, POINTR, पॉइंटर स्पीड। इस पॉइंटर स्पीड को बताया जाता है कि भाई इसको बढ़ा लो और राइस्टर के फूफा फिर तुम ही हो। तो चलो देखते हैं कि कितनी सच्चाई है भाई इस बात में, जरा हम भी तो देखें कि क्या होता है पॉइंटर स्पीड को बढ़ा के। तो ये भाई यहाँ पे ये जो पॉइंटर स्पीड है ना, सबसे पहले मैं इसको करता हूँ एकदम जीरो। ठीक है, सबसे पहले हम इसको जीरो करके देखेंगे कि क्या कैसे स्क्रीन वगैरह घूम रही है। ठीक है, तो अब इसको पहले मैं जीरो कर देता हूँ। अब जा रहा हूँ मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में देखने कि क्या होता है एक्चुअल में, और आप लोग भी देखना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना अपनी स्क्रीन को ऊपर नीचे करके देखता हूँ। ठीक है, ओके ओके, स्क्रीन मेरी इस स्पीड से ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, और अभी देख लो भाई, मेरी बाकी की जो सेंसिटिविटी है वो 100 कर रखी है मैंने। ठीक है, इस टाइम पे तो ऊपर नीचे स्क्रीन करके तो देख लिया। ठीक है, अब हम लोग ड्रैग करके देखते हैं। ठीक है, तो ड्रैग कर रहा हूँ तो ड्रैग भी इसी स्पीड से हो रहा है। ठीक है, स्पीड याद रखो कि किस स्पीड से हो रहा है। ठीक है, अब मैं भागते समय स्क्रीन को हिला हिला के देखता हूँ, तो देख सकते हो कि मैं जब भाग रहा हूँ और स्क्रीन को जिगजैग कर रहा हूँ तो इसी स्पीड से मेरी स्क्रीन जिगजैग हो रही है। ओके फाइन, अब हमारी पॉइंटर स्पीड जीरो करके तो हमने देख लिया कि किस तरीके से क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम कर देंगे पॉइंटर स्पीड को एकदम फुल। ठीक है, तभी तो हमें डिफरेंस पता चलेगा ना कि जीरो रखने में और एकदम फुल रखने में क्या डिफरेंस है। तो अब हम कर देते हैं इसको एकदम फुल और चलते ट्रेनिंग ग्राउंड में, देखते हैं क्या होता है। तो भाई यहाँ पे मैं स्क्रीन को ऊपर नीचे कर रहा हूँ और वाओ भाई, कितनी बढ़िया तरीके से मेरी स्क्रीन ऊपर नीचे हो रही है भाई, मेरे को तो मजा ही आ गया, मैंने तो पता ही नहीं सी। अब जरा लगे हाथों में ड्रैग मार के भी देख लेता हूँ, तो ड्रैग करता हूँ। ओ वाओ भाई, सब बॉडी लग रहे थे पहले, अब तो सबके सब हेडशॉट लग रहे हैं, मैंने तो पता ही नहीं सी। अब जरा भागते भागते भी मैं स्क्रीन को लहरा के देख लेता हूँ, तो ओ माय गॉड वाओ, ये तो कुछ अलग ही तरीके से लहर रहा है भाई, अब ये तो मैंने पता ही नहीं सी। देखो भाइयों, यहाँ पे मुझे पॉइंटर स्पीड को बढ़ा के और घटा के उतना ही फर्क दिख रहा है जितना मेरे 5 साल पहले और अभी वाले गेम प्ले में है, मतलब कुछ नहीं। हाँ भाई, सच में पॉइंटर स्पीड को बढ़ा के घटा के उतना ही फर्क दिखेगा जितना 5 वाले 2 पार्ले जी बिस्कुट में होता है। पॉइंटर स्पीड को बढ़ा के घटा के उतना ही फर्क दिखेगा जितना फर्क नर्सरी और LKG की फीस में होता है। पॉइंटर स्पीड को बढ़ा के और घटा के उतना ही फर्क दिखता है जितना फर्क Y444 और किसी हैकर के गेम प्ले में है। पॉइंटर स्पीड को बढ़ा के और घटा के उतना ही फर्क दिखता है जितना फर्क तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त के क्वेश्चन पेपर में होता है, मतलब कुछ नहीं भाई, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता पॉइंटर स्पीड को बढ़ा के। लेकिन अब देखो, मुझे पता है कि कुछ ज्ञानी लोग चल दिए होंगे कमेंट सेक्शन की तरफ कि चलो कमेंट सेक्शन पे हल्ला बोलते हैं कि ऐसे कैसे फर्क नहीं पड़ता, हमने देखा है हमारे हैसुर लगते हैं, हमारे फेवरेट यूट्यूबर ने बताया था हमारे हैसुर लग रहे हैं पॉइंट स्पीड बढ़ाते। अरे मेरे 9 साल के बाबू, जाके 3 वाले चार्ट पे आम केले की फोटो बनाओ, क्योंकि पागल तो तुम्हें कोई और बना रहा है। पॉइंटर स्पीड, अबे घंटा पॉइंटर स्पीड भाई, होता वो तो कुछ है नहीं, बस पागल बनाना है लोगों को।
तो भाई हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ भाई, सुधर जाओ ठीक है, प्लीज सुधर जाओ। और व्यूअर्स भाई तुम लोग भी समझ जाओ कि भाई कुछ नहीं होता भाई स्पॉन्टर स्पीड से, बस पागल बनाने की स्कीम है ये और कुछ नहीं है। मुंह में वर्ड भी फंस गया। तो भाई आज के बाद ना कोई भी बंदा पॉइंट स्पीड ना तो कमेंट सेक्शन में देखेगा, ना उसके ऊपर कोई भी वीडियो देखेगा, ठीक है ना। पॉइंट स्पीड नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। जाके चेक कर लेना पॉइंट स्पीड को, बढ़ा के घटा के अपने आप ही देख लेना, कुछ भी फर्क नहीं दिखता है। बस ये मन का वहम होता है कि हाँ बढ़ा लिया तो वाह सेंसिटिविटी बढ़ गई है, कुछ भी फर्क नहीं दिखता है। जाके टेस्ट कर लेना, खुद ही टेस्ट कर लेना, लेकिन जेन्युइन टेस्ट करना। तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। अब बात करते हैं डीपीआई की। तो देखो मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये जो डीपीआई होती है ना, इससे भाई डायरेक्ट फर्क देखने को मिलता है गेम में, ठीक है। ये डीपीआई कोई भी फेक सेटिंग नहीं है। तो मैं इसका भी एक बार कंपैरिजन दिखा देता हूँ कि कितना फर्क दिखता है, ठीक है, आपको लाइव दिखा देता हूँ। तो मेरी जो अभी की जो मेरी डिफॉल्ट डीपीआई है ना, वो मैंने 360 रख रखी है, ठीक है। तो अभी अगर मैं गेम में जाऊंगा तो उतना ही मेरे को दिखेगा जैसा अभी जो पॉइंटर स्पीड को बढ़ा घटा के दिखाया था, तो वैसे ही बिल्कुल स्क्रीन दिखेगी मेरे को। तो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि यहां पे देख लो स्क्रीन को, मैं जिगजैग विगजैग कर रहा हूं, ड्रैग वगैरह कर रहा हूं, ठीक है। तो किस स्पीड से ड्रैग वगैरह हो रहा है, किस स्पीड से जिगजैग हो रहा है, अपने मन में एक बार नोटिस कर लो, ठीक है। सब कुछ आपने कर लिया, तो अब मैं क्या करता हूं कि अपनी डीपीआई को कर लेता हूं डायरेक्ट डबल। मींस भाई 360 थी ना पहले, तो अब मैं कर दूंगा इसको डायरेक्ट 720, ठीक है। और देखना जैसे ही अब मैं ओके दबाऊंगा ना, सब कुछ जो भी स्क्रीन पे है सब कुछ छोटा छोटा हो जाएगा। तो देख सकते हो भाई सब कुछ छोटा छोटा हो चुका है, क्योंकि डीपीआई बढ़ाने पे ऐसा ही होता है। लेकिन आपको पता है अगर आप एक बार लाइक कर दोगे ना, तो ये सब कुछ वापस से बड़ा बड़ा हो जाएगा। यकीन नहीं होता तो एक बार करके देख लो। तो अब भाई मेरी डीपीआई हो चुकी है 720। तो अब तो आपको कुछ भी कंपैरिजन दिखाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि समझ में ही नहीं आ रही मेरी स्क्रीन। ऐसी अगर मैं 360 से ज्यादा रखता, थोड़ी सी ज्यादा रखता, जैसे कि मान लो 460 रख लेता या 500 रख लेता, तो भाई तो थोड़ी सी बढ़ती, थोड़ी सेंसिटिविटी थोड़ी सी बढ़ती। लेकिन मैंने 720 रख दिया तो आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 720 मैंने इसलिए रख के दिखाई है ताकि आप लोगों को मैं फर्क दिखा सकूं, ठीक है। अगर मैं थोड़ी थोड़ी बढ़ाऊंगा तो आपको उतना फर्क नहीं दिखेगा, फिर आप बोलोगे कि भाई यार इस पे तो फर्क दिख नहीं रहा, आप बोल रहे हो फर्क दिख रहा है। तो इसीलिए मैंने 720 रख के दिखाई है। 720 पे भाई बिल्कुल नहीं संभल रही है मेरे से स्क्रीन, ठीक है। अगर मेरे को 720 वाली डीपीआई पे स्क्रीन को संभालना है तो मेरे को अपनी जनरल सेंसिटिविटी को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ठीक है, एडजस्ट करना पड़ेगा, तब जाके मैं इसको संभाल सकता हूँ। तो इस वीडियो के थ्रू तो भाई मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि भाई कुछ सेटिंग्स से तो फर्क पड़ता है गेम में, ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी हैं जो कि बस लोग तुमसे बस व्यूज छापने के लिए बस उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं और कुछ नहीं होता उससे। जैसे कि पॉइंटर स्पीड, लार्ज माउस पॉइंटर, टच एंड होल्ड डिले, इन सभी सेटिंग से कुछ नहीं होता, ठीक है। बिना बात के आप लोग पागल बनते हो। बस होता है तो बस एक डीपीआई से ही फर्क पड़ता है। अगर सेटिंग वाले ऐप में किसी चीज को छेड़ के आपकी अगर गेम के अंदर कुछ फर्क दिखेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल विड्थ मतलब डीपीआई से ही दिखेगा। तो डीपीआई तो इफेक्टिव सेटिंग है, लेकिन बाकी सब की सब डिफेक्टिव है। तो आज के बाद भाई कोई भी पागल नहीं बनेगा। डीपीआई के ऊपर वीडियो देख सकते हो, किसी और की भी देख सकते हो, चाहे मेरी देख लेना, किसी की भी देख लेना, मतलब किसी अच्छे बंदे की देखना जिसके ऊपर आप लोग ट्रस्ट करते हो। लेकिन बाकी जो सेटिंग्स होती है भाई, बाकी सेटिंग्स पे मत छेड़ा करो, ठीक है। अरे तू जा रही, और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, उधर ही बात करते रहता हूं मैं अपने सब्सक्राइबर से। तो आ जाओ, बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।